गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी हमारी, इसके अंदर हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं, पौधों के कौन कौन से भाग का हम भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में कल हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज जर्मिनेशन, कि जो जर्मिनेशन है वो क्या है। तो जर्मिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम अ सीड। इसका मतलब कि बीज से पौधे बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कल हम लोगों ने पेज नंबर 44 तक पढ़ लिया था, और 44 में हम लोगों ने श्रुति और पिंटू के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सी एंड राइट डाउन, कि देखो और लिखो। ये जो एक्सरसाइज है जो पढ़ाऊंगा, ये क्या है, आपको करके देखना है। ठीक है, और इसको आपको अपनी बुक के अंदर ही, पीछे जो ये जगह दे रखी है इसी के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर करना क्या है आप लोगों को। पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, टेक सम सीड्स ऑफ मूंग ग्राम मोट इन ए बाउल, फिल द बाउल विथ ए वाटर। इसका मतलब क्या है कि आप एक कटोरी लो, अर्थात प्रथम कटोरी लो, और उस कटोरी के अंदर आप मूंग या फिर चना या फिर मोट, तीनों में से कोई सी भी एक चीज उस कटोरी के अंदर डाल दो। ठीक है, और फिर डालने के बाद में उस कटोरी को पानी से भर दो। ठीक है, पहली कटोरी में तो आपको ये करना है, क्या करना है कि एक कटोरी लेनी है, उसमें मूंग या फिर चना या फिर मोट कोई सा भी एक चीज लेकर कटोरी में डालकर उसे पानी से भरना है। फिर इसके बाद में टेक अनदर बाउल एंड प्लेस अ वेट क्लॉथ इन इट, नाउ पुट सम सीड्स मूंग ग्राम मोट ऑन द क्लॉथ एंड कवर द सीड्स विथ ए वेट क्लॉथ। इसका मतलब क्या कहें कि इसमें क्या करना है, आपको एक कटोरी लेनी है और उस कटोरी के अंदर आपको क्या करना है, मूंग या फिर मोट या फिर चना कोई भी एक चीज लेनी है, और उसको क्या करना है कि आप एक जो गीला कपड़ा है, ठीक है, कपड़े को गीला कर लो और फिर उसी के अंदर, ठीक है, कोई सा भी मूंग मोट या फिर चना उस गीले कपड़े के अंदर आप डाल दो, और फिर डालने के बाद में उसे टाइट बांध दो। ठीक है, उस कपड़े को और उस कटोरी के अंदर डाल रख दो। ठीक है, ठीक है, तो दो बाउल हो गई, एक के अंदर तो आपको पानी डालना है, ठीक है, और एक को क्या करना है, गीला कपड़ा करके उसके अंदर मूंग मोट डाल के उसे कटोरी में डालना है। तो दो हो गया। अब तीसरी कटोरी, टेक वन मोर बाउल एंड पुट सम सीड्स ऑफ मूंग ग्राम मोट ओनली इन इट, एवरी डे नोट डाउन इन योर नोटबुक द स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको तीसरी कटोरी लेनी है, और उस तीसरी कटोरी में क्या करना है आपको कि आपको मूंग या फिर चना फिर या मोट आप इसमें से डाल दो। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसको, बस तीनों चीज लेना है और उस कटोरी के अंदर डाल देना है। अब आपको क्या करना है कि पहली कटोरी जिसमें आपने पानी भरा था, दूसरी कटोरी जिसके अंदर आपने मूंग या फिर मोट या फिर चने को एक सूती कपड़े से बांध दिया था, गीला करके सूती कपड़े को गीला किया और गीला करके मूंग मोट या फिर चना कोई भी एक चीज इसमें बांध दिया था, दूसरी कटोरी होगी। और तीसरी कटोरी कौन सी होगी इसमें आपकी,
जिसमें आपने केवल मूंग या फिर मोठ उस कटोरी के अंदर आपने डालकर ऐसे छोड़ दिया। अब तीनों कटोरी में देखोगे कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन उसमें क्या परिवर्तन हुआ और तीसरे दिन उसमें क्या परिवर्तन हुआ। देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे। तो पहली बाउल में क्या हुआ, सेकंड बाउल में क्या हुआ और थर्ड बाउल में क्या हुआ। आप जब इसको करोगे, करके देखोगे, तो आप देखोगे कि जब फर्स्ट डे जब पूरा एक दिन हो जाएगा, ठीक है, और जो सेकंड बाउल होगा आपका, वहां पर आप देखना कि जो आपका बीज है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अंकुरित हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये करके देखना है और आपको बारी बारी ये लिखना है कि पहले बाउल में क्या हुआ, दूसरे बाउल में क्या हुआ। अब देखो थिंक एंड टेल, इन विच बाउल वॉज पेस ऑफ जर्मिनेशन मोर, वाई। इसका मतलब यह है किस कटोरी में अंकुरण ज्यादा हुआ और क्यों। अब बताओ कौन सी कटोरी में अंकुरण ज्यादा होगा, पहली, दूसरी या फिर तीसरी। तो आपकी जो दूसरी कटोरी होगी उस कटोरी में अंकुरण क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जो दूसरी कटोरी थी उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि सूती कपड़े को गीला करके हमने बीज को उसके अंदर डाल दिया था और टाइट बंद कर दिया था, जो कि उस बीज से अंकुरित निकलने की एक अनुकूल परिस्थिति होती है, ठीक है, अर्थात कि उसके लिए क्या है, वह अनुकूल परिस्थिति होती है। इसीलिए इन विच बॉल डिड जर्मिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। इसका मतलब कि कौन सी कटोरी में पहले दिन से ही, ठीक है, पौधे बनने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी, ठीक है, बताओ कौन सी हो जाएगी, कौन सी बाउल से, सेकंड बाउल, जो दूसरी बाउल होगी उसी में होगा, ठीक है। वाई वर सीड्स टाइड इन अ वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन, कि बीज को हमने गीले कपड़े से टाइट बांधकर क्यों रखा। सीधी सी बात है कि जब हमने इसको टाइट इसलिए बांध के रखा गीले कपड़े से, ठीक है, बीज को, क्योंकि इससे क्या होती है कि बीज से पौधे बनने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए क्या होती है, एक अनुकूल परिस्थिति होती है, ठीक है, कि जब हम किसी भी बीज को जब हम एक गीले कपड़े से बांध देंगे तो पौधे बनने की क्या हो जाएगी, एक अनुकूल परिस्थिति हो जाएगी, अर्थात उसमें क्या होगा, अंकुरण जल्दी होगा। इन विच बाउल डिड जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस एंड व्हाई। आप बताओ कि इन तीनों कटोरी में से कौन सी कटोरी में जर्मिनेशन नहीं होगा, अर्थात बीज से पौधे बनने की प्रक्रिया नहीं होगी, बताओ, पहली, दूसरी या फिर तीसरी, कौन सी होगी, तीसरी होगी, है ना, क्यों, क्योंकि ना तो हमने उसके अंदर पानी डाला और ना ही हमने उसे गीले कपड़े से बांध के रखा, तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसे मॉइस्चर मिलना जरूरी है, जब तक उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो पौधा कैसे बनेगा, अर्थात बीज अंकुरण कैसे होगा, ठीक है, तो तीसरी जो कटोरी है उसमें जर्मिनेशन अर्थात उगने की प्रक्रिया नहीं होगी। Why does germination not take place in the seeds of grains kept at home? इसका मतलब यह है कि जो घर में हम अनाज रखते हैं वो क्यों नहीं उगते हैं। सीधी सी बात है कि अनाज को उगने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, और जब तक उसे मॉइस्चर नहीं मिलेगा जब तक वो उगेगा नहीं, ठीक है, इसलिए हमारे घर में जो अनाज जो रखे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, वो उगते नहीं है, अर्थात अंकुरित नहीं होते, ठीक है, परंतु हाँ यदि हम चने, मूंग, मोठ, यदि हम पानी में डाल दें
या फिर हम गीला कपड़ा करके उसे टाइट बांध दे तो वो क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद में सी एंड राइट डाउन पेज नंबर 45। ड्यूरिंग नवरात्र यू माइट हैव सीन पीपल ग्रोइंग ज्वार अराउंड यू। आपने नवरात्रा के समय देखा होगा अपने आसपास या अपने घर के घर में भी देखा होगा कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो पूजा करते समय हम क्या करते हैं कि जो ज्वार होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम उगाते हैं, ठीक है। ज्वार को हम लोग उगाते हैं, हम क्या करते हैं एक मिट्टी लेते हैं थोड़ी सी और उसके अंदर क्या करते हैं ज्वार को हम लोग डाल देते हैं, जिसमें क्या होता है कि कुछ दिनों बाद में क्या होता है कि वो अंकुरित होकर काफ़ी बड़े हो जाते हैं। You all take some transparent pots with some soil in them and put the seeds in soil separately. ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि एक पारदर्शी क्या लेना है, मटका लेना है, ठीक है, और उसमें क्या करना है मिट्टी डालनी है और उस मिट्टी के अंदर आपको क्या करना है, उस मिट्टी के अंदर आप लोगों को बीज डाल देना है, ठीक है। और फिर बीज डालने के बाद में क्या करना है आपको थोड़ा सा उसे गीला कर देना और फिर आप देखना उसमें क्या परिवर्तन आया, ठीक है। आप देखोगे कि वो कुछ ही दिनों में क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित होकर वे धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। नाउ पेज नंबर 46। आफ्टर सीइंग द चेंजेस विच टुक प्लेसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन डिस्कस अबाउट देम एंड राइट इन योर नोट बुक। इसका मतलब कि अंकुरण प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कर इस पर चर्चा करनी है आपको और इसे अपनी कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। कि जैसे मान लो कि आपने मूंग लिया, मोट लिया, राइस लिया, तो पहले दिन आप में क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है, अर्थात ट्रांसपेरेंट आपने जो मटका लिया है आपने, ठीक है, उसमें आपने मिट्टी डाली और उसके अंदर आपने बीज डाला, तो कोई सा भी हो सकता है, चाहे चने का ले लो, चाहे आप मूंग का ले लो, मोट का ले लो, फिर आप राइस का ले लो, ठीक है। आप पहले दिन में क्या चेंज देखोगे, अगर पहले दिन में यदि कोई भी चेंज नहीं आया तो आप पहले दिन में लिखो नो चेंज। अगर मान लो दूसरे दिन में आपके इस चने में अंकुरित हो गया तो इस पर स्प्राउट लिख दो, और थर्ड डे में क्या हो रहा है धीरे धीरे क्या हो रही है उसकी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि फर्स्ट डे में क्या चेंज हुआ, सेकंड डे में आपने क्या चेंज देखा, थर्ड डे में चेंज क्या देखा और फोर्थ डे में क्या चेंज देखा, तो इस तरह से आपको ये कर देखना है घर पे, ठीक है। अब देखो नीचे प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स, प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स। देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना बीज के भी उगते हैं, अर्थात जरूरी नहीं है कि वो बीज से ही उगे, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि आपका पटेटो, ठीक है, और इसी तरह से एक है पत्थर चट्टा। तो जो पत्थर चट्टा जो होता है उसकी जो पत्ती है, ठीक है, लीव्स जो है, उस लीव्स को यदि हम मिट्टी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उगना चालू हो जाएगा। तो इसकी बीज नहीं होता, बीज से नहीं उगता है ये पत्थर चट्टा, ये पत्ती से उगता है, ठीक है। इसी तरह से पटेटो जो आलू है वो किससे उगता है, स्टेम से उगता है। तो बहुत सारी ऐसे पौधे हैं जो कि बिना बीज के उगते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको दो बताया, पटेटो एंड पत्थर चट्टा। इसी के बारे में पढ़ते हैं हमें यू माइट हैव सीन स्प्राउट्स इन पटेटोज ड्यूरिंग रेनी सीजन इन योर होम। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जो आलू होते हैं उस आलू के ऊपर आपको अंकुरित जो है दिखाई देता है, ठीक है, कि उगता हुआ कुछ दिखाई देगा, ठीक है, अर्थात वह अंकुरण होता है, ठीक है उसका। इफ यू प्लेस दिस पटेटो इन ए पॉट विथ सोयल इट विल बिकम अ पटेटो प्लांट। और जो अंकुरित जो पटेटो है जिसपे अंकुरित हुआ है, ठीक है, उसे यदि आप मिट्टी में डाल दोगे, दबा दोगे,
तो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, वो एक पौधा बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, वो पौधा बन जाएगा। द सेम वे इफ यू प्लेस अ लीफ ऑफ पत्थर चट्टान इन सॉयल इट विल आल्सो बिकम अ न्यू प्लांट। इसी तरह से पत्थर चट्टी की जो लीव्स है उसे आप मिट्टी में दबा दोगे या डाल दोगे तो आप देखोगे कि कुछ दिनों के बाद में एक पौधा निकलकर बाहर आएगा, अर्थात पौधा बन जाएगा। किससे? पत्थर चट्टी की पत्ती से, लीव्स से। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया, प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स, और कल हम पढ़ेंगे डिस्कस एंड टेल। डिस्कस एंड टेल के यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जब तक आप लोग क्या करोगे, बुक की रीडिंग लगानी है आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।